नमस्कार सभी को। ये एग्ज़ाम आपका एसएससी के द्वारा जो सीईटी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम लिया गया है 21 अक्टूबर 2023 को सेकंड शिफ्ट का ये आपके सामने एग्ज़ाम है। जिसने नहीं देखा वो ये फर्स्ट जो पेपर है उसका एनालाइज या सॉल्यूशन जो हमने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बारीकी से इस पेपर को डिस्कस करेंगे ताकि आपकी हेल्प हो सके और आपको पता लग सके कि आपके कितने आंसर सही है और कितने मार्क्स आपके बनते हैं। चलिए इस पेपर को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जब प्राकृतिक उत्पाद यानी कि नेचुरल जो प्रोडक्ट है उनको विनिर्माण के माध्यम से अन्य रूप में प्रवृत्त किया जाता है तो इसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसको भाई आपको ये माना जाएगा आपका द्वितीयक क्षेत्र, यानी कि जब प्राकृतिक यानी कि नेचुरल जो प्रोडक्ट है जैसे शुगर केन यानी कि गन्ना, गन्ने से हमने क्या बना दी, शुगर यानी कि चीनी बना दी, तो उसको हमने क्या है नेचुरल प्रोडक्ट को क्या कर दिया, चेंज कर दिया इंटू डिफरेंट यानी कि फिनिशिंग गुड में। तो इसको परिवर्तित करने वाला जो क्षेत्र होता है वो द्वितीयक क्षेत्र या सेकेंडरी क्षेत्र बोला जाता है, यानी कि उसको सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं। इसमें ये है कि भाई उसको इंडस्ट्रियल क्षेत्र नहीं बोलते हैं, कई लोग उसमें कन्फ्यूज होंगे, उसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोल सकते हैं, लेकिन इसमें यहाँ पे जहाँ तक है इसका आंसर द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी सेक्टर रहेगा। मध्य प्रदेश के जिले में खुजराव, खुजराव की जो है समूह के स्मारक स्थित है, यानी कि खुजराव के जो हैं समूह तो उनको आपके हैं जिला छत्रपुर, यानी कि इसका नंबर वन जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज प्रणाली का भाग नहीं है? पंचायती राज प्रणाली का जो भाग नहीं है, देखिए तीन स्तरीय पंचायती हमारे यहाँ बनाई गई है जिसमें ग्राम सभा पहले पे आती है कि जिसको ग्राम सभा बोलते हैं, उसके ऊपर ब्लॉक आता है यानी कि ग्राम पंचायत आती है, उसके बाद ब्लॉक आता है, जिला परिषद आती है, यानी कि ग्राम सभा, पंचायत और जिला परिषद, तो ये तो इसके पार्ट होते हैं। ग्राम परिषद जो है वो ऐसे कोई पंचायत में जो भी प्रणाली है उसमें नहीं है। तो हमारे यहाँ पे जो मिलती है तो वो यही मिलती है कि पहले जो स्तर होता है वो ग्राम सभा का, उसके बाद उसके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ग्राम सभा ग्राम पंचायत कहलाएगी, उसके बाद जो होता है जिला स्तर पे जो जिला परिषद कहलाएगी। तो ये आपका जो आंसर है वो ग्राम परिषद रहेगा। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय जो है, आर्ट गैलरी जो है मोटन भाई, ये है आपकी नई दिल्ली में, बिल्कुल इंडिया गेट के पास में है, तो आप कहीं जाएँ तो जरूर विजिट करना। भारत ने जो 2023 का एशिया कप खेला था वो श्रीलंका के साथ खेला था भाई। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष उपभोक्ता कंज्यूमर जो प्रोटेक्शन एक्ट भी पास किया गए हैं, तो यूएनओ ने कब उसको मतलब लागू किया था, उसके जो दिशा निर्देशित हैं गाइडलाइंस है उसको कब एक्सेप्ट किया था, तो ये किया था 1985 यानी कि 1985 के अंदर इसको। सलारगंज संग्रहालय कहाँ पे है भाई? ये है आपका हैदराबाद में, सलारगंज जगह भी है जो कि आपके पानीपत में है, ये कल आ सकता है तो याद रखना। तो ये हैदराबाद के बारे में पूछा गया भाई। लोकतांत्रिक जो सरकारी यानी कि डेमोक्रेसी की जो गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है उसके बारे में कुछ बातें की गई है और इसमें से जो सही नहीं है वो लिखना, बिल्कुल बड़ा मतलब कॉमन है, बिल्कुल इजी है, लेकिन ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। पहला है कि लोकतंत्र क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र यानी कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं, बिल्कुल इसमें रिप्रेजेंटेटिव को हम चुनते हैं तो वो हमारे डिसीजन लेते हैं, बिल्कुल कहा जाता है। यहाँ पे एडल्ट फ्रेंचाइज वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है, बिल्कुल देता है, 18 साल के जो ऊपर व्यक्ति हो जाता है उसको अपने आप क्या हुआ वोटिंग का राइट मिल जाता है। लोकतंत्र लोगों को अपने नेता निर्वाचित करने का अधिकार दे, बिल्कुल वोटिंग के थ्रू हम अपने नेता चुनते हैं। लोकतंत्र को अल्पतंत्र, अल्पतंत्र नहीं भाई, भीड़ तंत्र के रूप में माना जाता है भाई, इसमें भीड़ जो है भीड़ के रूप में जाना जाता है ना कि अल्पतंत्र, तो ये जो फोर्थ नंबर है ये बिल्कुल गलत है भाई। ये जो आंसर है आपका फोर्थ नंबर ये बिल्कुल गलत रहेगा क्योंकि ये आपके बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि इसको भीड़ तंत्र के रूप में जाना जाता है ना कि अल्पतंत्र के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट कहता है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है भाई? पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके ज़्यादा सरफेस पे क्या है पानी है, यानी कि पृथ्वी का जो 71% जो सरफेस है उस पर पानी है और ऊपर से जब हम पृथ्वी को देखते हैं आसमान से तो हमें नीली दिखाई देती है, इसलिए हमें क्या है इसको नीला ग्रह कहा जाता है। तो इसका फोर्थ नंबर इसका आंसर रहेगा भाई। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब आए? ये 1893 में गए थे और 1915 में भारत में लौट गए थे भाई, तो 1915 में क्या है इसका सही आंसर है। भारत में राजनीतिक भविष्य को निर्धारित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1927 में एक आयोग को भेजा था जिसका नेतृत्व किया था भाई, अरे हमारे यहाँ पे कब आ गया था ये, 1928 में आया था, जिसको हमने किस नाम से पुकारा जाता है, साइमन कमीशन के नाम से जानते, तो इसके लॉर्ड साइमन इसके क्या थे अध्यक्ष थे। ये तय करने आया था कि भारतीयों को डोमिनेंट स्टेटस या सरकार बनाने का अधिकार दिया जाए या नहीं दिया जाए।
निम्नलिखित को सम्मिलित करना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। रियोत रियोत होते हैं आपकी, देखिए इसमें बी को आप मिला सकते हैं, तो महल का मतलब होता है गांव, यानी कि बी का है वन, यानी कि बी का वन फोर्थ में है, देखिए बी का वन ओनली फोर्थ में है, तो इससे ही आपका आंसर मिल जाता है, लेकिन वो भी मिला लेते हैं। रियोत का मतलब होता है खेतियर, यानी कि किसान, ठीक है ना। रियोत रियोत का मतलब होता है कि जो रियोत होते हैं वो किसान को कहा जाता है भाई। महल का मतलब गांव होता है, नीच का मतलब होता है अपनी भूमि पे खेती करना, और रियोती का मतलब है रियोत की भूमि पर खेती करना, यानी कि किसी किसान की जमीन है उसको लेके बोना। तो इसका फोर्थ नंबर जो है वो बिल्कुल इसका आंसर रहेगा। किस महाद्वीप में सबसे अधिक है, तो ये हो जाएगा आपका अफ्रीका भाई। अफ्रीका में 54 के समथिंग जो है कंट्री हैं, तो ये वो देख लेना। बाकी मेरे हिसाब से इसका अफ्रीका ही क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो किस लकड़ी के सबसे बड़ी अवलेबल है, तो ये विल्लो लकड़ी है भाई, जो आपके जम्मू कश्मीर जो श्रीनगर का इलाका वहाँ पे मिलती है, पहाड़ी क्षेत्र में ही होती है, बिल्कुल बर्फीले, और वहाँ पे ये विल्लो वृक्ष होता है, बिल्कुल हल्की लकड़ी होती है, इसे क्रिकेट बैट बनाए जाते हैं। बाकी वही देख लेना, बाकी ये नहीं है ताड़, नहीं है चीड़, नहीं है बटनी, विल्लो है, इसका आंसर विल्लो ही रहेगा। खबर लहरिया समाचार पत्र जो कि उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में 8 दलित महिलाओं से चलाया जाता था, तो इसको भाषा बतानी हो किस में चलाया जाता था, ये भाई बुंदेली जो है भाषा उसमें चलाया जाता था, इसको बैन कर दिया गया था, काफ़ी प्रचलित था 2015 में, तो ये काफ़ी खबरों में था। ये पदार्थ जो लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं, तो ये भाई बेस कहलाते हैं, यानी कि क्षार कहलाते हैं। इसका लिखने का तरीका भी होता है BASE, तो इससे हम ये मना लेते हैं कि भाई जो बेस होते हैं ना, बी से बेस, ए से जो है लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो ये बेस क्या कहलाते हैं, लाल को लीला कर देते हैं भाई। मनुष्य के शरीर में क्या है, तापमान कितना होना है, इसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहेंगे, और उन्होंने कहीं ना कहीं सेकंड इसका ऑप्शन लगाया होगा, लेकिन ये गलत है, इसका फोर्थ आंसर रहेगा, क्योंकि 98.6 होता है भाई फारेनहाइट, ठीक है ना, सेल्सियस दे रखा है तो फारेनहाइट होता है, लेकिन 37 डिग्री सेल्सियस जो है हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से रक्त का थक्का जो विटामिन, कल ये हो सकता है कि नेक्स्ट जो आने वाला पेपर भाई उसमें ये पूछा जा सकता है रक्त का थक्का क्या, तो विटामिन जो होती है हमारी के, विटामिन के है जो वो हेल्प करती है हमारे रक्त का थक्का, लेकिन यहाँ पे विटामिन नहीं पूछा गया, इसलिए हमें क्या है इसमें जो आंसर रहेगा वो होगा हमारा फर्स्ट, क्योंकि सफेद कोशिका है तो हमारी बॉडीगार्ड है, हीमोग्लोबिन रक्त का जो लाल रंग है वो करता है, रक्त कणिकाएं हमारी वो प्लेटलेट्स होते हैं, लेकिन ये वाले जो आंसर है ये हमारे क्योंकि ये समूह बनाती हैं और जालसा बना देती हैं, और उसके बाद रक्त का थक्का जम जाता है, और विद द हेल्प ऑफ विटामिन के द्वारा ये बनाया जाता है। संचारी रोगों का, यानी कि जो कम्युनिकेबल डिजीज होती है, यानी कि एक दूसरे से इधर से उधर फैल सकती है, उसमें सबसे जो खतरनाक वाहक होता है वो होता है हमारे घरेलू मक्खी, इससे बचना चाहिए, इसलिए कहते हैं भाई भोजन को हमेशा ढकना चाहिए, ढके ही उसको रखना चाहिए। वे प्रजातियाँ जो एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्थानिक कहा जाता है, हालांकि इनको फ्लोरा एंड फूना भी बोला जाता है, फूना भी बोला जाता है दूसरी लैंग्वेज में, लेकिन यहाँ पे स्थानिक इसका आंसर सही रहेगा। निम्नलिखित में से अधातु यानी कि नॉन मेटल जो नहीं है वो है सल्फर आपका भाई, लोहा तांबा तो बिल्कुल है, सोडियम में आपको डाउट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सल्फर है। फिर है भाई आपका, इसको मैच द फ्लोइंग करना, टाइफाइड, देखिए सुबह के जो पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस का हमने बताया था कि ये विषाणु यानी कि वायरस से होता है, तो टाइफाइड क्या है, टाइफाइड आपका यहाँ बैक्टीरिया हो गया, और मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से होता है, गेहूं का जो बढ़ गया भाई यीस्ट यानी कि कवक से होता है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो आपका ए का थर्ड है, ए का थर्ड इसमें है, और इसमें है हेपेटाइटिस ए, बी का वन यहाँ पे है, तो ये आपका आंसर बन जाएगा भाई, ओके फोर्थ इसका आंसर रहेगा भाई। नेक्स्ट के थी पिंड की दूरी है, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई ये, बाकी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्या आंसर इसका। निम्नलिखित में कौन सा ऊष्मा का सबसे उत्तम, यह बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसका आपको पढ़ते हुए इस क्लास में पढ़ा जाता है भाई, चांदी यानी कि सिल्वर इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। रतौंधी ये मैंने सुबह ही बताया था कि भाई किससे हो सकता है, विटामिन दे रखी थी, तो सी से तो स्कर्वी हो जाता है, डी से रिकेटस हो जाता है, ए से रतौंधी होता है, यानी कि ब्लाइंड लैंस, नाइट ब्लाइंड लैंस इसको बोलते हैं भाई, रतौंधी से होता है, बी से बेरी हो जाता है, सुबह के पेपर में आता है। तिलचट्टा जो है वो किससे सांस लेता, तो भाई ये फोर्थ इसका आंसर रहेगा, श्वास नली से। निम्नलिखित में कौन सा अल्पता यानी कि कमी, डिफिशेंसी यानी कि कमी से होने वाला रोग नहीं है, यानी कि इसमें बताना था कमी से होने वाला रोग नहीं, कमी नहीं है मतलब कमी से नहीं है, वैसे वैसे ही हो गया, तो गाइटर तो बिल्कुल कमी से होगा, या आयोडीन की कमी से हो जाता है, स्कर्वी सी विटामिन सी के, एनीमिया यानी कि लोहे की कमी से होता है, मलेरिया किसी कमी से नहीं होता है, ये भाई मलेरिया फैला जाता है मच्छर से, मॉस्किटो से ये फैलता है।
लीजिए, कौन सा लाल ग्रह है, लाल रंग का ग्रह है यानी कि मंगल, मंगल मार्स, तो मार्स को लाल ग्रह कहा जाता है भाई। ये आ गया भाई आपका मैच द फ्लोइंग, छोटी याद बड़ी याद उधर, यानी कि स्टोमक, स्टोमक जो है भाई स्टोमक भोजन को क्या करता है, मिलाता है, यानी कि भोजन को वहाँ रखा जाता है कुछ देर के लिए, और मुंह जो है भोजन को चबाता है। तो दो ये आपने अगर मैच कर लिए तो भाई काम बन जाएगा। डी का आपका है टू, डी का टू ये रहा ये रहा, और सी का, सी का वो आपका डी का वन भाई, डी का वन यहाँ पे है ठीक है, सी का टू और सी का टू यहाँ पे है भाई। तो ये आपका आंसर होएगा ए का थर्ड, यानी कि भोजन का अवशोषण बड़ी याद क्या है, मल बनाती है भाई, ये आपका आंसर है टू, इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट ये आपका रीजनिंग आ गई है और मैथ, ये आपको राहुल सर करवाएंगे, सेपरेट वीडियो हम अपलोड कर देंगे, बड़े ध्यान से वो आपको करवाएंगे, बड़े अच्छे ढंग से वो समझाते हैं, थोड़ा सा उस वीडियो को जरूर देखना। चलिए अब आपका बचता है यहाँ पे हरियाणा जी के, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं भाई, ये रही आपकी सबसे पहले है कि हमारा गाँव जगमग गाँव की योजना के तहत कितने लगभग गाँव को शामिल हो, भाई एट प्रेजेंट ये 6000 के करीब हो गए हैं, तो यहाँ पे आंसर इसका 6000 होना चाहिए, बाकी देखा जाएगा कि क्या इसका आंसर बनता है। विद्यालय जो है भाई सोनीपत के डिस्ट्रिक्ट में है, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में, बिल्कुल सही है, सीबीसी से रिलेटेड है, हाँ जी एफिलेटेड जो है ये सीबीसी से है, तो दोनों ही आंसर क्या है, दोनों ही बिल्कुल सही आंसर है इसके। हरियाणा की जो ग्रामीण जनसंख्या है वो कितनी है कुल मिला के, तो ये भाई आपकी कम से कम 70% है, यानी कि 65 अबोव होनी चाहिए, तो इसका अंतर सही रहेगा। हरियाणा भारत के खिलाड़ी को प्रसिद्ध बैजवाल कला, ये बिल्कुल सोनीपत का एक गांव है जी, जहाँ से योगेश्वर दत्त भी वहीं के खिलाड़ी हैं, तो सोनीपत जिले में ये लगता है। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय महिला हॉकी का, बिल्कुल शाहबाद, शाहबाद को क्या है भारतीय हॉकी की नर्सरी कहा जाता है भाई, ये आंसर बिल्कुल सही है शाहबाद। फिर निम्नलिखित कथनों पर विश्लेषण कहिए, मसीना ब्रैज बैराज जो रेवाड़ी जिले में, बिल्कुल ये सही है, कौशल्या बांध पिंजौर में, बिल्कुल दोनों ही आंसर ठीक है भाई, इसका आंसर ए रहेगा। निम्नलिखित में कौन सा नृत्य रूप नहीं है, लूर बिल्कुल मेवात में है, लूर है भाई, खोड़िया भी किया जाता है जब लड़के शादी होती तब, और फाग भी करा, तो तालबंडी यहाँ तक है जो भाई, बाकी इसका आंसर आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, बाकी मुझे हिसाब से ये थर्ड इसका आंसर रहेगा। हरियाणा पूर्ण राज्य 1966 ये तो बिल्कुल ईजी है, 1 नवंबर 1966 अभी आने वाला है 1 नवंबर। हरियाणा में कितने विधानसभा है, ये बिल्कुल ईजी है भाई, इसका है 90, और राज्यसभा की 5 हैं, लोकसभा की 10 है, और खुद की कितनी है लेजिस्लेटिव असेंबली की 90 इसकी सीट है भाई। निम्नलिखित में कौन सा संघ लोक, ये हमें डाउट है भाई, निम्नलिखित में कौन सा हरियाणा नहर की, ये क्वेश्चन जो है भाई आपका, आपको मिलता है तो मुझे ही बताना, मेरे को ये मिला नहीं और मुझे याद भी नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा जो हरियाणा की नहर नेटवर्क प्रणाली से संबंधित नहीं है, यानी कि नहीं है, तो यमुना नहर प्रणाली है, बिल्कुल सिंधु नहर प्रणाली भी है भाई, और भाखड़ा नहर तो है ही है, तो लिफ्ट जो है ये राजस्थान की है, तो ये हमारी नहीं है, तो इसका आंसर जो होगा सही आंसर होगा 4th। नेक्स्ट निम्नलिखित में हरियाणा कौन सा जिला पंजाब और राजस्थान की सीमा से अधिक करता है, बिल्कुल ये आपका रहेगा हिसार, हिसार करता है भाई। नेक्स्ट हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है, तो इसमें काला हिरण बिल्कुल सही आंसर है, काला हिरण। नेक्स्ट ब्लैक बक भी बोला जाता है। हरियाणा में निम्नलिखित कौन सा हरियाणा का पारंपरिक पोशाक नहीं है, पोशाक नहीं है, तो ये चोरनो जो है भाई, दामन तो लोग ये पहनते थे, पगड़ी भी पहनते थे, चुंदर भी ओढ़ती थी, चोरनो जो है ये हमारा वीर सागर पंचकुला, बिल्कुल सही आंसर है। कीर्ति चक्कर ये भाई अभी हमें डाउट है, तो इसका आंसर आप हमें बता सकते हैं कॉमेंट बॉक्स में। चलिए चिकारा प्रजनन केंद्र ये कैरू भिवाणी में है भाई, ये कैरू भिवाणी में, इसका सेकंड जो है वो आंसर इसका रहेगा। भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ है, ये बिल्कुल रोहतक में IIM। तो फिर है भाई राज्य के दो महत्वपूर्ण स्मारक लाट और हुमायूं की मस्जिद, ये आपकी फतेहाबाद में मिलेंगे भाई। उस जगह की पहचान कीजिए जहाँ गुरु गोविंद, ये गुरु गोविंद पहाड़ी राजाओं के साथ युद्ध करने 52 डेज के लिए वहाँ पर रुके थे, ये है आपका थर्ड ऑप्शन, गुरु द्वारा कपाल मोचा। तीसरा पानीपत का युद्ध जो 1761 में हुआ था, 1761 के अंदर होता है भाई, ये जो लड़ा गया था वो आपका 1526 में पहला, 1556 में दूसरा, और तीसरा 1761 में, ये लड़ा गया था आपका अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। प्रत्येक माह का कौन सा दिन तिथि भोजन बेटी का जन्मदिन स्कूल में अभिनंदन के रूप में मनाया जाता है, ये जो स्कीम है पहले गुजरात में लागू की गई थी भाई, गुजरात से ये हरियाणा में ली गई है, और ये जो होता है तीसरा हर मंथ का जो तीसरा मंगलवार होता है उसको ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है।
भारत की जो पर्यावरण रिपोर्ट है इसमें ये हमें डाउट है भाई, ये भी आप हमें बता सकते हैं। और विधवा जो पेंशन है इसके बारे में बिल्कुल इसमें मुझे डाउट है बिल्कुल, ये पहले वाला तो बिल्कुल गलत है, दो सेकंड वाला भी गलत होना चाहिए, क्योंकि अभी तो 3,000 या 2,250 पहले थी और अब 3,000 कर दी गई थी, और ये तो 18 साल से 60 साल तक की आयु की महिला के पात्र होती हैं। तो यहाँ पे मतलब 60 साल से तो बुढ़ापा पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी, तो 18 से आपके 60 साल तक वैल्यू होते हैं, तो पहले तो गलत है, दूसरा भी इसका गलत होना चाहिए, 1800 नहीं है, 2500 पहले कर दिए थे और 3,000, तो इसका जहाँ तक मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए वो आपका भाई सेकंड होना चाहिए, बाकी आप मुझे बता सकते हैं। और एफ एस सी क्या मानता है इसका आंसर वो देख लेंगे। तो ये क्वेश्चन भी भाई डाउट में है। तो आज का इतना ही, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा जानकारी के लिए या हमसे और जानकारी या जीएस पढ़ने के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े, और हम आपको हर आने वाली टीचिंग या एसएससी या एसटैट या सीटैट या आपका जितने भी एसईईटी के एग्ज़ाम होते हैं या हरियाणा से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनकी जानकारी भी देते हैं, और साथ में आपको यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई भी करवाई जाती है। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।